हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे अपना चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या सीखा लास्ट क्लास के अंदर कि रिप्रोडक्शन है जिहड़ी ओहदे लई अपन की चाहिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर चाहिए। फ्लावर के अंदर अपन दो कंपोनेंट करे सीगे असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। ठीक है, अपन ओहदे चो असेंशियल कंपोनेंट्स डिस्कस करने शुरू करते सीगे जिहदे च अपन मेल पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि एंड्रोशियम डिस्कस करना शुरू करता सी, है ना। एंड्रोशियम के अंदर लास्ट क्लास तक अपन ने पोलन सैक्स दी डेवलपमेंट है जिहड़ी वो डिस्कस कर ली सी। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक्स एक रिपीट दूंगी देन वी विल मूव ऑन। यही किया सी आ एंथर है आ फिलामेंट है ये पूरा की है एंड्रोशियम। ठीक है, मैं फिलामेंट नो में कैसी कनेक्टिव स्टॉक है मतलब सिलेंड्रिकल है सिर्फ कनेक्ट करता है तो आप ऐसी स्ट्रक्चर नहीं करती सी करनी भी नहीं। नेक्स्ट है बेटे आपने को एंथर है, मैं एंथर नो कटिया 12 बायलॉब सीगा दो लॉब्स के अंदर फर्दर मैं दो दो लॉब्स होर दिखिया ये आपस च कनेक्टेड सी। मैं इस स्ट्रक्चर नो बाहर ड्रॉ किया तो मैं कुछ एवं का स्ट्रक्चर है जेड़ा वो देखने को मिलिया सी। यस और नो याद है ना सब नो। हुण इहदे बाहर आपां नूं तीन कॉमन लेयर्स एपीडर्मिस फिर इनर एंडोथीशियम फिर मिडल 1, 2, 3 फिर टैपेटम फिर स्पोरोजीनस टिशू तक आपां ने कर लिया सीगा स्पोरोजीनस टिशू मिलिया। क्लियर, हुण आपां करांगे कि इस स्पोरोजीनस टिशू दे अंदर पोलन ग्रेन्स दी फॉर्मेशन किवें हुंदी है। उस तो पहले मैं तुहानूं टैपेटम लास्ट लेयर कीती सी टैपेटम टैपेटम दे फंक्शंस वैसे तो मैं दसते सीगे बट एक बार आप होर देख लैने टैपेटम दे फंक्शन सीगे बेटे अपने कोल कि टैपेटम है जिहड़ा ओ मेन सोर्स है कदा ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दा ओ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इस तो इलावा टैपेटम है जिहड़ा उस स्पोरोपोलन नाम दा सबस्टेंस रिलीज करन च भी हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि टैपेटम है जिहड़ा वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यू जिहड़ा है न्यूट्रिएंट्स दे अंदर हेल्प करता है। उस तो बाद वो प्रोडक्शन ऑफ यूबिश बॉडीज जो कि स्पोरोपोलिनिन बनाने च हेल्प करदियां ने उन्हां दे रिलीज दे अंदर हेल्प करता है। इस तो इलावा वो कंपैटिबिलिटी यानी कि पोलन ग्रेन फीमेल दे उपर जाके स्टिक हो जाए ओहदे लई कंपैटिबल सबस्टेंसेस ने जिहड़े उन्हां दी फॉर्मेशन दे अंदर भी हेल्प करता है। क्लियर, इतों तक अपने लास्ट क्लास च कर लिया। हुण अपने कोल इहदे अंदर जिहड़ा स्पोरोजीनस टिशू है दिस वन इह पोलन ग्रेन्स किवें बना दिंदा यानी कि माइक्रो स्पोरोजीनस इत्थे टिशू है टिशू ने की बनाए मेल स्पोर्स बनाते वी कैन से इन कॉमन लैंग्वेज आपां कहता मेल स्पोर्स बनाते। ठीक है, तो ये मेल स्पोर्स की फॉर्मेशन किवें हुंदी है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पहला वाला फर्स्ट आर्टिकल सी डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सैक्स दी डेवलपमेंट होना पोलन सैक्स किवें बने कि मेरे कोल उत्थे टिशू सीगे ओ इन चार लेयर्स दे अंदर डिफरेंशिएट हो गए सेंटर दे अंदर मेरे कोल स्पोरोजीनस टिशू बच गया। ठीक है, हुण स्पोरोजीनस टिशू फर्दर पोलन ग्रेन्स बनाऊगा तो वी हैव इज द नेम ऑफ द प्रोसेस माइक्रो स्पोरोजीनेसिस। माइक्रो मतलब स्मॉल मेल इज ऑलवेज स्मॉल मेल पार्ट स्पोरो मतलब स्पोर्स जिनेसिस मतलब टू फॉर्म स्पोर्स दी फॉर्मेशन कराना मेल दी बॉडी दे अंदर उस प्रोसेस नु आपां की कहने आ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर, हुण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दे अंदर की हुंदा है माइक्रोस्पोरेंजियम दे अंदर यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम जेडे स्पोरोजीनस टिशू दे अंदर सेल्स ने दिस वन इज स्पोरोजीनस टिशू ध्यान नाल सुनियो एक वन टाइम च समझ आ जाऊगी जे मेल समझ आ गया देन फीमेल इज ऑल्सो
वी कैन से सिमिलर टू द डेवलपमेंट ऑफ द मेल, ठीक है, या डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्स, ठीक है, अपने को किया गया बेटे. एक स्पोरोजिनस टिश्यू है, बहुत सारे सेल्स हैं, वी कैन से मोर मेनी नंबर ऑफ द सेल्स, आप काउंट तो नहीं कर सकते, आप एक बार एक आइडिया ले लिया कि इतने 100 नंबर ऑफ सेल्स हैं. इना 100 नंबर ऑफ सेल्स जो कुछ सेल्स था जेडे सेल्स मियोसिस करनगे ओ उन सेल्स दी डेवलपमेंट लिए उन्होंने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करन च जुट जाते, मतलब सारे सेल्स ने जेडे ओ माइक्रोस्पोर्स नहीं बनाएंगे, कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, कुछ सेल्स उन्हों का न्यूट्रिशन बनान च अपने आप नू गवा देंगे. मतलब एक सेल बर्स्ट होया, सपोज एक सेल बर्स्ट होया, उहदे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होए, उहदी बॉडी चो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होए, दूसरे सेल ने उन्हों न्यूट्रिएंट्स नू खाना शुरू किया, ठीक है, तो उन्हें अपनी बॉडी नू ग्रो कर लिया. यस, क्लियर. हुण अपने कोल सम ऑफ द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर्स विल डू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्लियर. हुण की होया, ये सारे सेल्स की ने डिप्लॉयड ने, डिप्लॉयड का मतलब की हो गया, डिप्लॉयड का मतलब उन्होंने जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वह पेयर्स के अंदर है, क्लियर, डबल. हुण की होगा बेटे, जेडे सेल्स ने स्पोर्स बनाने हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, ठीक है, मैं एक सेल ले लिया, सपोज मैं ये सेल चूज कर लिया, दिस वन, मैं कहता पीएमसी पोलन मदर सेल, याद रखना है पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल, क्लियर. हुने पोलन मदर सेल, दिस इज द वन सेल, इस सेल ने की किता, दिस सेल विल अंडर गो, देखो कोई भी बॉडी है जिद अंदर आप प्लस वन च पढ़िया होया गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, गैमीट फॉर्मेशन च की होंदा डिप्लॉयड तो हैप्लॉयड बनाना होंदा, डिप्लॉयड तो हैप्लॉयड बनाने लई आपां प्लस वन च केड़ी प्रोसेस पढ़ी सीगी कि उहदी बॉडी दे अंदर डिप्लॉयड तो हैप्लॉयड बनाने लई की होगा, मियोसिस होगी. इन्हें मियोसिस कीती, मियोसिस वन कीती, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द टू हैप्लॉयड सेल्स, पर पूरी नहीं हैगी, देन फाइनली एक अपने को प्रोसेस हुई जिहदे च फोर सेल्स बन गए. मैं इत्थे एवें अलग अलग नहीं बना रही बेटे, इकट्ठा बनाऊंगी, क्योंकि जेने फोर सेल्स बनेंगे दे आल आर अटैच्ड टू ईच अदर. शुरू शुरू जो वो चार सेल्स एक दूसरे दे नाल अटैच्ड होंदे हैं, कईयां दे अंदर वो इस तरह की शेप होंदी है, कईयां दे अंदर वो एवें होंदे, तीन फ्रंट ते होंदे, एक उहनां दी बैक ते होंदे, मतलब दे आल आर अटैच्ड टू ईच अदर. कईयां दे अंदर वो कुछ एवें चारों दे चारों दिख रहे होंदे ने, कईयां दे अंदर वन टू थ्री फोर कुछ एवं की शेप्स होंदियां ने, तो इनिशियली एक दूसरे दे अंदर दे नाल अटैच दे, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, लीनियर, टी शेप, किसी भी फॉर्म च ए प्रेजेंट ने, ए चार हो गए. मियोसिस हुई जेडे चार पोलन ग्रेन्स, फ्यूचर पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर्स बने, और एक दूसरे दे नाल हजे अटैच ने क्योंकि उन्होंने अंदर कैलोज प्लग्स ने, हौली हौली चारों दे चारों आपस च सेपरेट हो जाएंगे, ये चारों सेपरेट हो गए. इथों आलो जी मैं दिखाता, वन टू थ्री फोर, हूँ चारों हैप्लॉयड ने, चारों फ्यूचर पोलन ग्रेन्स ने, एंड दे ऑल आर एक्टिव. ये याद रखना है कि मेल दे अंदर जेड़ा पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन्स बनते फ्रॉम वन जर्म सेल, वो चारों दे चारों एक्टिव होंगे. इवें क्यों दसिया, क्योंकि आप कंपेरिजन किदे नाल करांगे लेटर ऑन, फीमेल दे सेल्स दे नाल करांगे, ठीक है. तो हुन मेरे कोल की आ गया बेटे, आ चार एक्टिव पोलन ग्रेन्स, फ्यूचर पोलन ग्रेन्स मेरे कोल बन के तैयार ने, ठीक है. व्हाट डज आवर बुक सेज कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, जेड़ा स्पोरोजिनस टिश्यू है बेटे, उन्हें माइक्रोस्पोर्स जेड़े फर्दर बनाने ने, तो उहदे चो कुछ सेल्स ने जेड़े ओ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या जिन्हों मैं पीएमसीज कहा ओ बना लेंगे. सेल्स दे अंदर इनिशियली भी कैलोज दी प्लगिंग हुंदी है, तो हर सेल मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू दे अंदर सेल्स टाइटली पैक्ड ने, तो उन्हां दे अंदर भी कैलोज प्लग्स प्रेजेंट ने, ओ पहला उन्हां दे इंटरकनेक्शंस ब्रेक होंगे, फिर ओ सेल्स ने जेड़े ओ मियोसिस करनगे. मियोसिस करन तो बाद मेरे कोल जेड़े चार सेल्स ने ओ बन जाएंगे, तो ओ इनिशियली ओह वेरियस मतलब टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब होंगे तो चार ही ने, किसी के अंदर डेक्यूसेट है, किसी के अंदर टेट्राहेड्रल है, जिम्मे मैं इतने दसिया, किसी के अंदर वह अपने को आ गया
कि वी हैव इज द आइसोबाइलेटरल शेप। फिर उस तो बाद इस तरीके दे नाल ये चार नियोस्पोर्स ने जेड़े ओ सेपरेट होके चार फर्दर पोलन ग्रेन्स दी डेवलपमेंट दे अंदर जुट जाएंगे। ठीक है बेटे, कुछ भी नहीं किता, बस एक लाइन च सम अप करा। स्पोरोजिनस टिश्यू सी, स्पोरोजिनस टिश्यू दे जेड़े सेल सीगे ओ पहला सारे इकट्ठे सी, आपस च जुड़े हुए सी, कनेक्शंस ब्रेक हुए, कुछ सेल्स मर गए, कुछ सेल्स रह गए। जेड़े कुछ सेल्स रहे उन्हें मैं कहा पीएमसीज। और पीएमसीज की करेंगे मियोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे तो इनिशियली चार सेल्स मिलेंगे, चार सेल्स चारों के चारों इकट्ठे ने, हुन उन्होंने सेपरेट आउट होना, सेपरेट आउट होके उन्होंने फर्दर फोर एक्टिव जेड़े मेरे को पोलन ग्रेन्स ने ओहो फॉर्म करते। ये सुनो तो यही अपन ने स्टोरी कही है ना कि अपने को चार पोलन ग्रेन्स ने जेड़े ओ मेरे को बन गए। पर हुन सिचुएशन समझन की कोशिश करियो, हुन सिचुएशन इहदे अंदर की आऊगी। द सिचुएशन हियर विल बी चार पोलन ग्रेन्स तो अपन ने बना ले, लेकिन व्हाट विल बी देयर हुन मेरे को जिड़ी पहला स्ट्रक्चर सी पोलन सैक्स वाली स्ट्रक्चर सी, उधर जो बाहर की में आंगे उन्हें दी डेहिसेंस की में होगी, पोलन ग्रेन्स बन गए। हुन आपा पोलन ग्रेन दी फॉर दे अंदर की हुंदे वो भी डिस्कस करांगे। पोलन ग्रेन दे अंदर यानी कि वी कैन से माइक्रो स्पोर दी फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन वो डिस्कस करांगे। उस तो पहले एक छोटा सा आर्टिकल है डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब की है बेटे, आ देखो आ चार लेयर्स एवे सीगा ना, ये स्ट्रक्चर अपने को ये चारों जुड़िया हुई सीगा। इत्थे मैं क्या सीगा स्टोमियम हुंदी है यानी कि एंडोस्पो जिहड़ी एंडोडर्म सीगी अपनी एंडोथीशियम, इस जगह ते पतली जी हुंदी है। आ अंदर मेरे को स्पोरोजिनस टिश्यू है। देखो मान लो सपोज 10 पोलन ग्रेन्स ने जेड़े ओ इत्थे 10 सेल्स 10 पीएमसीज ने जेड़े ओ पोलन ग्रेन बनाने च जुट गए। हुन ओ 10 जेड़े सेल्स सीगे उन्होंने फर्दर किन्ने किन्ने बनाते, 10 × 4 करो 40 बन गए। 40 दे 40 एक्टिव पोलन ग्रेन्स ने। एक जगह सी, एक रूम सी जिथे मेरे को 10 दा ही स्ट्रक्चर दा जगह सी, 10 बंदियां दे आन दी जगह सी, लेकिन उत्थे मैं 40 को सेड़दा। मेरे को बहुत पहले ही ऑलरेडी उन्नी की जगह सीगी जिथे 10 जने आ सकते सी, मैं उत्थे 40 पाते। फिर क्यों होगा, वॉल्स ब्रेक करनगे ना, दे विल ट्राई टू कम आउट, एक दूसरे च वज्जनगे। तो सेम विल बी हियर, इत्थे 40 सेल आए, इन्होंने इत्थे प्रेशर पैना स्टार्ट हो गया, ते इत्थे की हो गया आ चीज रपचर होनी शुरू होगी, आ चीज ब्रेक होनी शुरू होगी। इधरों दी भी जेड़े पोलन ग्रेन्स बने ओ बाहर आने लई तैयार ने, इधरों दी भी ए चीज ब्रेक हो जूगी, इधरों दी भी सेल्स बाहर जाएंगे। दिस इज टर्म्ड टू बी एज द डेहिसेंस ऑफ एंथर। ब्रेक हो जाना सिंपली वॉल्स का ब्रेक होना, जेडे अंदर पोलन ग्रेन्स बने पए ने उन्हां दा बाहर निकलना, एंथर दी ऊपर आ जाना पाउडरी मासेस दी फॉर्म दे अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द डेहिसेंस ऑफ एंथर, नथिंग एल्स। बस डेहिसेंस ऑफ एंथर जेडे ओ मैच्योर सेल्स ने ओ जेड़े अपने डिस्पर्सल लई तैयार ने ओ की करनगे, थिन वॉल्स नू ब्रेक कर देंगे, ते ओ ब्रेकिंग ऑफ एंथर वॉल दे नाल जेड़े ओ स्ट्रक्चर्स ने ओ पोलन ग्रेन्स ने जेड़े ओ वॉल दे एंथर दे ऊपर आके बैठ जाएंगे। हुन ओ वेट करनगे कि कोई विंड आए, कोई इंसेक्ट आए, ताकि असी अपने मेल पार्ट दे कोल, फीमेल पार्ट दे कोल चले जाइए। क्लियर है, वी आर मेल एंड वी विल मूव ऑन टू द फीमेल। क्लियर, हुन तक अपन ने की किता, एक वारी समराइज करदे आं। बायलॉब एंथर सी, मैं उन्हों कटिया, मैनू टेट्रालॉब्स दिखिया, टेट्रालॉब दियां जदों मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़िया तो उहदे बाहर मैनू चार लेयर्स दिखिया, विच मैनू स्पोरोजिनस टिश्यू दिखिया। उन्हां चार लेयर्स दे नाम की सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल 1-3, टैपिटम, टैपिटम दे नीचे स्पोरोजिनस टिश्यू। हुन स्पोरोजिनस टिश्यू उतावला होया पिया कि आई विल बी द फ्यूचर, आई विल गिव द बर्थ टू द फ्यूचर किड्स, ठीक है, मैं आई वॉन्ट टू बिकम फादर, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सेल्स ने वट दे हैव डन इज उन्होंने सेल्स जो कुछ सेल्स ने अपनी बलि देती, कुछ सेल्स कहें भी असं तो न्यूट्रिशन दे रहे हैं,
कुछ सेल्स ने मियोसिस करना शुरू करता, मियोसिस करके इनिशियली उन्होंने 4-4 सेल्स ने जड़े वो बनाए, वो सारे अटैच्ड सी, फिर वो सारे आपस जो सेपरेट हो गए, हुन अपने कोल की बन गए फ्यूचर पोलन ग्रेन्स बन गए। पोलन ग्रेन्स ने जड़े वो बाहर निकलना चाहते ने तो उन्होंने मैं कहा पोलन दी दैट इज डेहिसेंस ऑफ वॉल ऑफ एंथर, क्लियर, नथिंग एल्स। छोटा जे हुन अपने कोल आ जाओ बेटे, जो हुन पोलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर बनिया है ओदी स्ट्रक्चर की हुंदी है, ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोर सेल और द पोलन ग्रेन। सुनो पोलन ग्रेन दी स्ट्रक्चर की कहंदी है बेटे, आ मेरे को मैंने ड्रॉप लाइक सेल्स बनाए, आ पोलन ग्रेन्स बन गए, मैं इन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा इनिशियली तो एवं क्रीसेंट शेप्ड सेल दिखता है, बट मैं होर डेप्थ के अंदर देखा तो मैं कुछ एवं का सेल दिखा, कुछ एवं दिया लेयर्स दिखिया उसके ऊपर, वन मिनट बच्चे आई हैव टू चेक इट, हाँ इट इज विजिबल। तो अपने को आ मेरे को की बन गया पोलन ग्रेन बन गया, हुन ए है कि देखो सी ए मेरे को पोलन ग्रेन में जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखा मैंने दो लेयर दिखिया, वन एंड टू, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइम, इनर लेयर इज नोन एज इंटाइम, ठीक है, जेडी वो एग्जाइन है बेटे वो कंटिन्यूशन च नहीं है, कि एग्जाइन इज डिसकंटीन्यूअस लेयर, एंड इन टाइम इज कंटिन्यूअस लेयर, जिथे एग्जाइन प्रेजेंट नहीं है कि दिस दीज होल्स, दीज आर टर्म टू बी एज जर्म पोर्स। जर्म पोर की है ए ओ स्ट्रक्चर है जिथों दी फ्यूचर पोलन ट्यूब, जब एक पोलन ग्रेन फीमेल दे ऊपर जाके बैठ गया तो फीमेल दे स्टिग्मा दे अंदर एक ट्यूब रिलीज करता है, ठीक है, छाड़ देता है इस तरह ना, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ओवरी दे अंदर इथे ओव्यूल है, ओव्यूल दे अंदर एग है, यानी कि पोलन ग्रेन तो इथे आके गिरता है ना, उन्हें मिलना इथे जाके है, तो मिलन नहीं की करता है वो इस जगह तो इस जर्म पोर तो एक ट्यूब रिलीज करता है जो कि है कि जो कि यदि इन टाइम दी कंटिन्यूशन है, जो कि यदि इन टाइम दी कंटिन्यूशन है, इन टाइम स्टाइल दे अंदर दी हुंदी होई जाती है, इन टाइम खिंची जाती है, वी कैन से इन टाइम नु कौन जगह दिंदा है, एग्जाइन जगह दिंदी है, इस जगह ते एवें आंदी है बेटे ए इन टाइम अंदरों जर्म पोर चो निकली ए अंदर आके पोलन इनू जरा फीमेल पार्ट है उन्हों मीट कर जाती है, क्लियर, दिस इज व्हाट दैट इज व्हाट अपने कोल परमात्मा ने पोलन ग्रेन्स के अंदर की दिते है जर्म पोर्स दिते है। इस तो इलावा इदे अंदर न्यूक्लियस है एंड इट हैज इट्स साइटोप्लाज्म, क्लियर। हुन अपने कोल तो डेम बुक्स दे अंदर वी आर गिवन फर्दर ऑफ द कवरिंग्स ऑफ द एग्जाइम, देखो कोई भी लेयर है जिवें एग्जाइम है, मान लो मेरा हैंड है, ठीक है, आ मेरिया आ मेरा पोलन ग्रेन है नीचे, आ मेरिया दो लेयर्स ने, आ निचली लेयर होगी इन टाइम, आ ऊपर वाली लेयर होगी एग्जाइम, देखो मैं कल्ली एग्जाइम नु सेपरेट करा, दिस इज एग्जाइम, इहदा उपरला ते नीचे वाला हिस्सा है ना, तो एग्जाइम नु आपां फर्दर भी डिवाइड करते हैं, क्लियर, कोई भी लेयर है उहदे दो हाफ्स होणगे, अगर मैं एग्जाइम नु फर्दर डिवाइड करा तो जिहड़ियां वह दो लेयर्स आणगियां, जे मैं उन्हां नु सेपरेट करूंगी तो उन्हां दे भी फर्दर दो दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो अपने कोल जिहड़ा पोलन ग्रेन है वो एक्चुअली पोलन ग्रेन है जिहड़ा वो ग्लोबुलर इन शेप है, उहदे बाहर जिहड़ी वॉल है उहनूं मैं कॉमनली इन टाइम के एग्जाइम नूं मैं की कहूंगी, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म, स्पोरो मतलब स्पोर, डर्म मतलब स्किन, जिहड़ा स्पोर है उहदे बाहर दी स्किन नूं मैं की कहा स्पोरोडर्म कहता, ठीक है। तो स्पोरोडर्म है जिहड़ा वो फर्दर डिवाइडेड है बेटे एग्जाइम ते इंटाइम दे अंदर, एग्जाइम आउटर लेयर है जिहदे उपर स्पोरोपोलन किने रिलीज कीता सी, स्पोरोपोलन टैपेटम ने रिलीज कीता सी, की है हाईली रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंट सबस्टेंस है जिदे करके पोलन ग्रेन्स दी जिहड़ी कई सालों तक फॉसिल फ्यूल्स दी फॉर्म च भी पोलन ग्रेन्स मिलते रहेंगे. ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन च पूछा जाता है बेटे समटाइम्स का ध्यान रखना. तो अपने को एग्जाइन एंड इनटाइन की हो गया, इनटाइन इंटरनल लेयर है, एग्जाइन आउटर है. एग्जाइन स्पोरोपोलन का बनया हुआ है चीफली, एंड इनटाइन है जरा दैट इज कंपोज ऑफ पेक्टोसेलुलोज. फिर उस तो बाद अगर आप एग्जाइन देखिए खोल के तो एग्जाइन के फर्दर दो लेयर्स ने सेक्साइन एंड नेक्साइन. उपरला हिस्सा सेक्साइन, आलो मैं हमने ही कहा ना थोनू जिमें एग्जाइन से मैं खोल उपरला हिस्सा सेक्साइन, इनरला हिस्सा अंदर वाला हिस्सा नेक्साइन. ठीक है, उस तो बाद नेक्साइन है जरा फर्दर डिवाइडेड है एंड एग्जाइन एंड फुट लेयर के अंदर. तो आप इना डिटेल नहीं करांगे, दो लेयर्स तक कर लो तुसी दैट इज एग्जाइन एंड टाइम. फिर उस तो बाद एग्जाइन में फर्दर डिवाइड कर लो एस एग्जाइन एंड नेक्साइन के अंदर. ठीक है, इन्नी तक कर दे. उस तो बाद है बेटे स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स नो आप कहने पिलेनोलॉजी, द साइंस द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एज द पिलेनोलॉजी. क्लियर, ता हुन अपने कुल की है बेटे फेट ऑफ द पोलन ग्रेन आफ्टर द डिस्पर्सल. हुन देखो हुन मैं थोनू की कहा कि जेडे वो पोलन ग्रेन सीगे और जेड़ा टेट्राड सी अपने कोल टेट्रास्पोरेंजियट स्ट्रक्चर ओदा की हो गया अपन ने उन्हों ब्रेक करता. ठीक है, ब्रेक करता ना डिहिसेंस करती सी ओदी. हुन पोलन ग्रेन्स अपनी जगह ते उड़ना चाहते ने, अपनी जगह ते जाना चाहते ने. तो पोलन ग्रेन्स दे अंदर हजे तक तो सिंपल ही सीगा ना, आपने क्या सिंपली एक सेल है उदे अंदर न्यूक्लियस है ते उदा साइटोप्लाज्म है. ठीक है, ये प्रॉपर मेच्योर, ये तो इमेच्योर स्ट्रक्चर है. तो पोलन ग्रेन भी मेच्योर होंगे उदे अंदर मेल गैमीट्स भी तो बनेंगे ना. तो मेल गैमीट्स किवें बने, मतलब मेल गैमीट मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो फीमेल दे नाल जाके स्ट्राइक होगा तो उस न्यूक्लियस की डिवेलपमेंट किवें होगी. ठीक है, हुन आप करांगे वी हैव इज द डिस्पर्सल ऑफ द पोलन ग्रेन. बट उस तो पहले मैं तुम्हें छोटे छोटे दो तीन डेफिनेशन करानी है बेटे. वी हैव इज द फर्स्ट पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी. ठीक है, सेकेंड है पोलन एलर्जी. थर्ड है बेटे पोलन प्रोडक्ट. जेड़ा पोलन एलर्जी एंड पोलन प्रोडक्ट्स है दीज आर नथिंग टू वरी, छोटे छोटे दो तीन डेफिनेशंस ने थोनू इजीली बुक पढ़ोगे, मतलब आई थिंक एयर पेपर च पूछिया भी नहीं जाऊंगी. वायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. वायबिलिटी की है कि जो एक पोलन ग्रेन अपनी जगह तो उड़िया, ठीक है, तो कई बारी उन्होंने अपना टारगेट नहीं मिलता तो वो अपनी एबिलिटी लूज कर देता है. लूज करना मतलब अपने आप नू खत्म कर, आप ही खत्म हो गया ना. कि वो अगर वो सपोज एक पोलन ग्रेन है किसी भी स्पीशीज का, वीट का पोलन ग्रेन है या व्हाटसोएवर, ठीक है, तो अपने कोलो पोलन ग्रेन उड़िया उन्हें 3 मिनट तक अपना टारगेट नहीं मिलिया तो वो खत्म हो जाता है. दैट इज खत्म होना, एबिलिटी नॉट टू जर्मिनेट. तो उन्होंने आप कहने ए वायबल नहीं है, ए वायबल नहीं है. वायबिलिटी की अंदर एबिलिटी टू जर्मिनेट कि मैं 40 मिनट बाद भी जो पहुंचूंगा तो मैं उत्थे जाके अपने आप नू जर्मिनेट कर लूंगा. हर पोलन ग्रेन को अपनी अलग अलग वायबिलिटी होंगी, किसी को 30 मिनट दी है, किसी को 24 घंटे दी है. ठीक है, तो वी हैव इज द डिफरेंट पोलन ग्रेन्स हैव डिफरेंट पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. ठीक है, तो कुछ पोलन ग्रेन्स ने ना जेड़े जिमें कि मैं उन्हें दसिया राइस एंड वीट, उन्होंने पोलन ग्रेन्स सिर्फ 30 मिनट तक ही एक्टिव रहते हैं. ठीक है, तो अपने को कुछ पोलन ग्रेन्स ने जेड़े जिमें कि सोलानेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली दे, लाइक पोटैटो वाली फैमिली, वेजिटेबल्स वाली फैमिली, सोलानेसी लेग्यूमिनेसी दालों वाली फैमिली, तो उन्होंने पोलन ग्रेन दे रिमेन वायबल फॉर मंथ्स. ठीक है, वो कई कई महीनों तक भी अगर जाके गिरनगे तो जर्मिनेट कर सकते, मतलब वो अपने एंथर तो उड़े तो किन्ने टाइम तक अपने अंदर पावर रख दे कि वी कैन जर्मिनेट ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल. ठीक है, पोलन वायबिलिटी, द वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू गेट जर्मिनेट. क्लियर, उस तो बाद पोलन एलर्जी. पोलन एलर्जी की है सिंपली, अगर पोलन ग्रेन एक जगह तो उड़िया किसी दूसरी जगह पर गया तो रस्ते कितने भी उन्होंने कोई पता थोड़ी कि मैं कितने जाना, तो टारगेट टिशू को पहुंच जाता है लकीली अनलकीली.
समटाइम्स वो ह्यूमन दे अंदर नेजल लाइनिंग च चला जाता है, इरीटेशन क्रिएट करता है, फीवर हो जाता है, जिन्होंने पोलन फीवर या एलर्जिक फीवर भी कह दें कई चो एस्थमा दे अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज पोलन एलर्जी। कुछ लोगों की नेजल लाइनिंग के अंदर जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं तो उन्होंने इरीटेट करते हैं, उन्होंने वायरल फीवर या उन्होंने पोलन फीवर भी हो जाता है। नॉट वायरल, दैट इज सॉर्ट ऑफ द पोलन फीवर, ठीक है। उसमें उन्होंने इरीटेशन, रनिंग नोज, एस्थमा भी हो सकता है। पोलन एलर्जी, पोलन प्रोडक्ट्स, कुछ कंट्रीज के अंदर पोलन ग्रेन्स तो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं क्योंकि वह स्लिपरी ने, उनके कोल स्पोरोपोलन है जिदे करके उन्होंने कोल स्लिपरीनेस है, तो उन्होंने बटर, पोलन बटर कह देंगे है, पोलन पॉलिशिज के अंदर या क्रीम्स के अंदर जो भी सॉफ्ट पार्ट होंगे है उन्होंने फॉर्मेशन उन्होंने यूज किया जाता है, दैट इज द पोलन प्रोडक्ट। हूँ बेटे हूँ आप पोलन ग्रेन मिच्योर करावे, हूँ जो आर्टिकल है दैट इज द मेच्योरेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। हूँ ध्यान रखो हूँ तक आपने की किया है जस्ट इन्ना ही कि मेरे को मेल पार्ट है कि फ्लावर का, मैं मेल पार्ट में जो खोलिया तो मैंने चार लेयर्स दिखिया, चार लेयर्स के नीचे स्पोरोजीनस टिश्यू दिखा, स्पोरोजीनस टिश्यू ने की मियोसिस कर ली, मियोसिस करके की बनाते चार सैल्स बनाते। हूँ मैं उन्होंने चारों सैल्स की स्ट्रक्चर भी पढ़ ली कि उनके बाहर एक एग्जाइम है, एक अंदर की है इनटाइम है, अंदर की है जर्म पोर्स ने जिदे थ्रू वो ट्यूब बाहर आऊगी, ठीक है। बट ट्यूब बाहर आने लिए उस स्ट्रक्चर का मिच्योर होना तो जरूरी है ना, वो अंदर जेडे प्रॉपर अपन न्यूक्लीअस चाहिए है, वह न्यूक्लीअस होना भी तो चाहिए ना। तो दैट इज वी हैव इज द डिवलपमेंट ऑफ द मेल गेमीटो फाइट, ठीक है, डिवलपमेंट ऑफ द मेल गेमीटो फाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट, मतलब प्लांट दे मेल पार्ट के अंदर जो प्रॉपर एक गेमिटिक न्यूक्लियस है उसकी डेवलपमेंट, यानी कि कॉमन लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि इमेच्योर स्ट्रक्चर तो मेच्योर स्ट्रक्चर बनाना, बस दैट्स ऑल। हूँ देखो इतने एक चीज याद रखियो कि एक पोलन ग्रेन यानी कि मेल दे को, मेल गैमीट दे कोल टोटल किन्ने नंबर ऑफ सेल्स होंगे ने, टोटल अंदर 3 नंबर ऑफ सेल्स। हूँ तक आप किन्ने पढ़े, एको ही पढ़े, आप किन्ने कहे है, आपने की क्या कि आज ही पोलन ग्रेन है, आ न्यूक्लियस है, आ साइटोप्लाज्म है, आपने टोटल किन्ने नंबर ऑफ सेल्स कहे, आपने ओनली 1 नंबर ऑफ द सेल किया। हूँ इस 1 तो आपने 3 नंबर ऑफ द सेल्स है जेडे वो बना लिए, दिस इज 1 नंबर ऑफ द सेल्स, दिस इज 3 नंबर ऑफ द सेल्स, एक किमें बने, दिस वी विल रीड अंडर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमीटोफाइट, ठीक है, दिस वी विल डू अंडर द मेल गेमीटोफाइट। मेल गेमीटोफाइट दी डेवलपमेंट के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स ने, 3 न्यूक्लियस ने, वो किदे तो बने, वो एक न्यूक्लियस तो बने, उन्हां दी डेवलपमेंट नूं आपां की कहंदे आ, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट। इनू मैं फर्दर 2 च डिवाइड करूंगी, आई विल से प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, एक मेल पार्ट है जिहड़ा वो की कर रहा, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट 1, एंड सेकेंड इज द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन, पहले प्री पॉलिनेशन कर दे, कि पोलन ग्रेन उड़न तो पहले मतलब अपने फीमेल पार्ट दे कोल पहुंचन तो पहले ओदे अंदर की चेंजेस ने जेड़े ओ आनगे, फिर उस तो बाद उड़न तो बाद केड़े केड़े चेंजेस आनगे, कल्ला उड़दा ही नहीं हैगा, किवें भी पहुंच सकदा, मतलब फीमेल पार्ट कोल पहुंचन तो पहले ते फीमेल पार्ट कोल पहुंचन तो बाद। सिंपल लैंग्वेज दे अंदर के प्री पॉलिनेशन मतलब हजे फीमेल पार्ट कोल नहीं पहुंचया, वो अपने ही उपर पे है, अपने कोल ही पे है। पोस्ट पॉलिनेशन मतलब वो फीमेल पार्ट दे कोल पहुंच गया, क्लियर, प्री पॉलिनेशन तो पहला फिर वो उड़िया फीमेल कोल पहुंचया, दैट इज द
पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. प्री पॉलिनेशन एंड वी हैव इज द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. प्री एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. प्री पॉलिनेशन के अंदर की होगा बेटे, हम देखो एक स्ट्रक्चर है वो इमेच्योर है. मैं इतने अपन पोस्ट पॉलिनेशन इरेज ही कर देने ताकि अपन कंफ्यूजन ना हो. वी हैव इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट एंड वी हैव इज द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. प्री पॉलिनेशन एक सेल है देखो अ इमेच्योर है. दिस इज अ सेल, दिस इज अ पोलन ग्रेन. ए द न्यूक्लियस है, ए द साइटोप्लाज्म है. ए सेल हजे की है, ए इमेच्योर सेल. इन्हें इधर साइज इन्हें न्यूट्रिशन लेना, हम जिथे भी होगा न्यूट्रिशन तो लो गए ना. इन्हें न्यूट्रिशन लिया, इस सेल का साइज है जरा वो बड़ा होना शुरू हो गया. कोई भी चीज है साइज बड़ा होगा, ठीक है. जब वह साइज बड़ा होगा तो वो अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट इनक्रीज नहीं होया. साइटोप्लाज्म का अमाउंट ओना ही है, देन व्हाट विल बी देयर, तो विक्यूल्स आने शुरू हो जाएंगे. है ना, सिंपल लैंग्वेज है कि बलून है अंदर वाटर सीगा, मैं अंदर और हवा भरती, पानी खड़कना शुरू हो जाएगा ना, सॉर्ट ऑफ दैट हवा आ गई अंदर. तो दिस इज विक्यूल. ए दा न्यूक्लियस है, वो एक पासे चला गया. जदों विक्यूल आया तो न्यूक्लियस एक पासे तकिया गया, ओदे पुशेस टूवर्ड द पेरीफेरी. न्यूक्लियस पुश्ड टूवर्ड द पेरीफेरी, पेरीफेरी वल गया तो न्यूक्लियस ते प्रेशर पै गया. प्रेशर पैन नाल न्यूक्लियस ने अपने आप नूं की कीता, माइटोटिकली डिवाइड कर लिया. माइटोसिस दे अंदर किन्ने सेल्स बनते हैं, विक्यूल है, ठीक है. आप इन डिफरेंट कलर दे नाल शो कर लेने विक्यूल नूं. दिस विल बी द विक्यूल. आ मेरे को एक सेल सीगा, ये मेरे को दो दे अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है. दिस इज क्योंकि एदे उपर ना इनिशियली किन्ने कैलोज दी प्लगिंग होनी शुरू हो जाती है. प्रेशर पिया एंड इट विल डिवाइड. इन्हें डिवाइड होके दो सेल्स बनाते. इन्हों चो आउट ऑफ दीज टू एक सेल तो सेंटर वाल जाना शुरू हो जाऊगा. मैं थे लेटर ऑन वन सेल विल मूव अवेक्यूल, वन सेल विल मूव टूवर्ड द सेंटर, दूसरा पेरीफरी मतलब वॉल नू छड़ के ऊपर लो हो गया. दिस इज कॉल्ड एज जो सेंटर वाल चला गया, दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड एज जेनरेटिव न्यूक्लियस. बस दैट्स ऑल. वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव. वेजिटेटिव की है वो न्यूक्लियस, मेन न्यूक्लियस है जो गाइड करता है एक सेल नो, जो हर सेल च प्रेजेंट है, दैट इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस. जेनरेटिव की है जो फर्दर फ्यूचर मेल गैमीट है, जिन्हें फीमेल दे नाल जाके मीट करना है, दैट इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस. तो अपने को आ गया प्री पोलिनेशन के अंदर बेटे माइक्रोस्पोर है जिहड़ा ओह फर्स्ट सेल है गैमीटोफिटिक जनरेशन का. हुण ओह अपनी अंदर ही जिथे ओह पहला प्रेजेंट सीगा उत्थे प्रिकॉशियस उत्थे ही की करदा माइटोटिक डिवीजन करदा, क्योंकि अंदर की आ गया एक सेंट्रल विक्यूल आ गया. सेंट्रल विक्यूल आने नाल की होया न्यूक्लियस एक साइड ते तकिया गया ते दो अनइक्वल सेल्स दे अंदर ओह डिवाइड हो गया. एक सेल नूं मैं क्या जनरेटिव, दूसरे सेल नूं मैं की क्या वेजिटेटिव किया, ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे अंदर एक मैच्योर पोलन ग्रेन दे अंदर आ दो सेल्ड स्ट्रक्चर होंगी, जदों ओ पोलिनेशन करता है टू टू सेल्स विल बी देयर वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, क्लियर. हुण कुछ दे अंदर की है, मतलब इत्थे मैं क्या सी टू सेल्ड और थ्री सेल्ड कह सकते हो तुसी, टू और थ्री सेल्ड. कुछ दे अंदर की होंदा ए जनरेटिव सेल फर्दर एक माइटोसिस होर करता है. कुछ स्पीशीज दे अंदर, कुछ मोनोकॉट से अंदर, कुछ डाइकॉट दिया स्पीशीज दे अंदर जिहड़ा जनरेटिव सेल है दैट विल डिवाइड वन बाय वन मोर माइटोटिक डिवीजन. इधर अंदर एक होर माइटोटिक डिवीजन हुई तो अपने को आ लो जी अवेक्यूल है, अब वेजिटेटिव है, अब मेरे को की बन गए दो मेल गैमीट बन, ठीक है जी, क्लियर. तो कुछ दे अंदर तो उड़न तक आ ही दो सेल्स होंगे ने, फिर वो फीमेल पार्ट को पहुंच के तीन सेल्स के अंदर डिवाइड होंगे ने, बट सम ऑफ द स्पीशीज वो पहला ही
तीन सेल के अंदर ही डिवाइड हो जाती है, क्लियर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ द सेल्स विल बी 3, पर जब उन्हें पॉलिनेशन की कई को तो किन्ने सेल्स ने 2, ठीक है। तो कई वो पार्ट पोस्ट पॉलिनेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो पोस्ट पॉलिनेशन यानी कि जब एक पोलन ग्रेन उड़ गया उसके को 2 सेल्स ने, 2 सेल्स या 3 सेल्स ने, 3 सेल्स ने नाल उड़िया, तो हुनो की करूंगा पोस्ट पॉलिनेशन। सब तो पहले तो वो अपने फीमेल पार्ट दे कोल पहुंच गया उड़ के, आलो जी फीमेल दे कोल गैमीट, अपने कोल ओव्यूल प्रेजेंट है, आ आया पोलन ग्रेन गिरिया। फर्स्ट रिएक्शन की होगी इन दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक होगी। कंपैटिबिलिटी मतलब दोनों एक दूसरे के नाल फिजिबल ने, कंपैटिबिलिटी। उस तो बाद इन्हें न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, ये जर्म पोच और ट्यूब आनी स्टार्ट होगी। इस जगह पर भी कई दो जिहड़ा वो जनरेटिव सेल सी वो 2 मेल गैमीट्स च कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। 2 गैमीट्स ने वो ट्यूब निकाली, उन्हें ट्यूब निकाली तो हम फीमेल के पार्ट तक रीच करोगी, क्लियर, इन द प्लांट्स, क्लियर। होया कि ओवरऑल देखो, ओवरऑल अपने पिछे क्या अपने को 2 बायलॉब स्ट्रक्चर से अंथर कटिया टेट्रोलॉब, टेट्रोलॉब दी अपने वॉल्स देखिया, वॉल्स देखने तो बाद की देखिया स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू ने की किता मियोसिस की, मियोसिस करके की बनाया पोलन ग्रेन बनाया। पोलन ग्रेन दे कोल की ने 2 वॉल्स ने, एग्जाइन एंड इंटाइन एंड जर्म पोर्स ने। हुनो इमेच्योर है, वो मेच्योर होना चाहता है, वो मेच्योर होने लई की करूगा अपना न्यूक्लियस नो साइज बड़ा करूगा एंड न्यूक्लियस नो डिवाइड करूगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 दे अंदर, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव के अंदर, ठीक है। वेजिटेटिव इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव इज द फ्यूचर न्यूक्लियस, ठीक है। 2 कई अंदर 2 सेल स्टेज च ही उड़ जाता है, कई अंदर 3 सेल स्टेज च उड़ता है, बट सम ऑफ दे अंदर अपने फीमेल पार्ट दे कोल पहुंच के और 3 सेल दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज पोस्ट पॉलिनेशन और डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन तो बाद भी डेवलपमेंट, ठीक है बेटे। तो अपने को मेल वाला पार्ट है जेड़ा वो पूरा कंप्लीट हो गया, पोलन ग्रेन की डायग्राम अपने डिस्कस कर ली, मेल है जेड़ा वो फीमेल तक रीच किवें किया, मेल की डिवलपमेंट, मेल के अंदर 3 सेल्स किवें बने, ये कंप्लीट हो गया। इस तो बाद आप मेगा स्पोरोफिल की स्ट्रक्चर यानी कि फीमेल पार्ट के अंदर की है, आप चैप्टर 3 पार्ट पहला आप हम कर रहे हैं ना, प्री पोलीनेशन डिवलपमेंट, फिर आप पोलीनेशन, फिर आप करांगे पोस्ट पोलीनेशन डिवलपमेंट, ठीक है। प्री दे अंदर आप दोनों पढ़ लेंगे मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, ठीक है। फिर उन्होंने ट्रांसफर पढ़ांगे यानी कि पोलीनेशन पढ़ांगे, दिस विल बी द पोलीनेशन। फिर पोलीनेशन तो बाद की होगा वो स्ट्रक्चर्स स्टडी करांगे, ठीक है। चैप्टर काफी लंबा है, हौली हौली चलांगे, ओके। तो इथों तक अपना देख लियो बेटे, फिर मैं थोड़ा मेल फीमेल पार्ट है जो अपन नेक्स्ट लैक्चर के अंदर होपफुली डिस्कस करते हैं।